नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। आज मैं एक कंपैरिजन लेकर के आया हूं, वेयर आई एम कंपेयरिंग Xiaomi की X सीरीज जो 2024 वाली मॉडल है विद Acer की आई प्रो सीरीज फ्रॉम 2024। दोनों ही 2024 वाले मॉडल्स हैं, दोनों ही आपको 35 to 40 thousand के रेंज में मिलेगा। दोनों ही नॉन क्यूलेड मॉडल्स हैं, और उसके कारण मैं इन दो टीवीज को कंपेयर कर रहा हूँ। और मेन रीजन ये है कि दीज आर द वेरी फ्यू मॉडल्स इन द इंडियन मार्केट 2024 में जिनमें आपको एंड्रॉयड 14 का गूगल टीवी ओएस मिलेगा। दैट्स वाई द मेन रीजन ऑफ कंपेरिजन। तो वीडियो शुरू करने के पहले दो डिस्क्लेमर मार देता हूं। नंबर वन, ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो नहीं है। अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे चैनल पे दूसरे हैंड्स ऑन रिव्यूज भी हैं, आप वो चेकआउट कर सकते हैं या फिर कोई दूसरे वीडियोस को जाकर के देख लीजिएगा जहां पे आपको इन टीवीज के हैंड्स ऑन रिव्यूज मिलेंगे। बट दिस इज नॉट अ हैंड्स ऑन रिव्यू, ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस है जहां पे मैं इन दो टीवीज के फीचर्स को आपको प्रस्तुत करके ये पर्सनल ओपिनियन अपनी बताऊंगा कि इन दो टीवीज में से आपको कौन सी लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। दूसरा डिस्क्लेमर, जो प्राइस आप अभी देख रहे हैं दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज, क्योंकि प्राइसेस बढ़ते भी हैं घटते भी हैं जब सेल आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैंने ये प्राइस दिखा दिया आपको यही प्राइस पे मिलेगा, प्राइस चेंज हो सकता है। ये बोल करके वीडियो को शुरू करते हैं। उन्हीं पॉइंट्स पे मैं फोकस करूंगा जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं, सो मैं फीचर बाय फीचर नहीं जाऊंगा बट मेन पॉइंट्स को मैं डेफिनेटली कवर करूंगा। अब देखिए, HDMI पोर्ट्स के मामले में दोनों ही टीवीज में आपको HDMI 2.1 मिलेगा, इसीलिए ERC का सपोर्ट भी मिलेगा। दोनों ही टीवीज में आपको दो दो USB पोर्ट्स मिलेंगे, पर आपको Acer की आई प्रो में एक USB 2.0 मिलेगा और एक USB 3.0 मिलेगा। अब देखिए, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस में आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अगर SSD, HDD को USB में कनेक्ट करके मूवीज़ देखना चाहते हैं, सीरियल्स देखना चाहते हैं, वो आप USB 2.0 से भी वैसे ही कर सकते हैं। तो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस आपका मोर और लेस सेम रहने वाला है। ऑप्टिकल पोर्ट, ईयरफोन पोर्ट दोनों में है, लैंड पोर्ट दोनों में है, डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट दोनों में आपको मिलेगा। ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड भी अगेन 5.0 है Xiaomi X में, और Acer की आई प्रो में 5.2 है, पर अगेन इन रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फार फील्ड माइक का सपोर्ट आपको Xiaomi की X सीरीज में मिलेगा जो आपको Acer की आई प्रो में नहीं मिलेगा, और वॉल माउंट्स आपको दोनों ही टीवीज में नहीं मिलेंगे। इन द बॉक्स आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे अनफॉर्चुनेटली जब आप इन दोनों टीवीज में से कोई भी टीवी लेते हैं। नाउ लेट्स मूव ओवर टू ऑडियो एंड साउंड। देखिए, ऑडियो एंड साउंड के मामले में इन टर्म्स ऑफ वॉटेज Acer की आई प्रो सीरीज इज 36 वॉट्स वर्सेस 30 वॉट्स ऑन दी Xiaomi की X सीरीज। बट Xiaomi की X सीरीज की जो ऑडियो की ट्यूनिंग है वो काफ़ी अच्छी है। अगर आप इसे सुनना चाहते हैं, यू कैन प्रॉब्ली गो इन टू अ लोकल शोरूम एंड टेस्ट इट आउट एज वेल जहाँ पे ये अवेलेबल है मॉडल। मेरे हिसाब से फिडेलिटी वाइज Xiaomi की X सीरीज इज कंपेरेटिवली बेटर। अगर आपको और भी बेटर साउंड चाहिए देन यू आर प्रोबेबली बेटर ऑफ लुकिंग एट Acer की सुपर सीरीज विच इज अ क्यूलेड एंड नॉट दी आई प्रो सीरीज। आई प्रो सीरीज में 36 वॉट्स ही आता है, पर एक चीज आई प्रो सीरीज में अच्छा है वो है डोल्बी एटमस का स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट। यहाँ पे वो मिसिंग है ऑन Xiaomi की X सीरीज। Xiaomi की X सीरीज में आपको DTS:X का सपोर्ट मिलता है। नाउ DTS:X का होना अच्छा है, पर DTS:X कब काम आता है? देखिए, जब आप OTT पे कंटेंट देखते हैं, कुछ भी नेटफ्लिक्स प्राइम पे, मोस्ट ऑफ द कंटेंट हैज डोल्बी एटमस नॉट DTS:X। हाँ, अगर आपके पास एक ब्लू रे प्लेयर है देन मोस्ट ऑफ द ब्लू रेस, अगर आपको याद होगा, वो DTS या DTS:X को सपोर्ट करता है। तो देखिए, हमारे OTT कंजम्पशन के लिए डोल्बी एटमस स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स का होना इज कंपेरेटिवली इवन मोर बेटर देन DTS:X का होना, मेरे हिसाब से। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट। तो यहाँ पे भी Acer की आई सीरीज इन टर्म्स ऑफ ऑडियो फॉर्मेट्स सपोर्ट वो थोड़ा सा आगे निकल जाता है। लेट्स मूव ओवर टू कॉन्फ़िगरेशन एंड OS। अब देखिए, दोनों ही टीवीज में आपको 2 GB का रैम मिलेगा, पर आपको Acer की आई प्रो सीरीज में एटलीस्ट 16 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, जो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली इज कंपेरेटिवली बेटर देन 8 GB। देखिए, 16 GB भी गूगल टीवी OS के लिए मेरे हिसाब से तो कम है, पर चलो इस केस में एटलीस्ट 8 GB तो नहीं है, 8 GB तो बहुत ही कम है, क्योंकि Xiaomi की X सीरीज में आपको गूगल टीवी तो मिलता है पर आपको पैच वॉल का यूजर इंटरफेस भी मिलता है, विच इज लाइक हैवी पे हैवी। गूगल टीवी OS ऑलरेडी हैवी है, पैच वॉल यूजर इंटरफेस के ऊपर और हैवी है, दिखने में अच्छा दिखता है और आपको अच्छा कंटेंट भी बताएगा स्क्रीन में,
पर हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट 8GB इंटरनल स्टोरेज जो है वो आपको कमी एकदम महसूस होना चालू हो जाएगा। एसर की आई प्रो सीरीज में भी 16GB है, इतना खास नहीं है पर ठीक है, एटलीस्ट 8GB से तो बेटर है। एंड प्लस इसमें पैच वॉल का यूजर इंटरफेस है नहीं, तो ऐसा नहीं है कि यू नो बहुत हैवी पे हैवी हो गया, नहीं। गूगल टीवी का दोनों ही में आपको सपोर्ट मिलेगा और दोनों ही दे आर वन ऑफ द वेरी फ्यू टीवीज इन 2024 जो आपको एंड्रॉयड 14 बेस्ड गूगल टीवी ओएस ऑफर करते हैं। यहाँ पे एक और चीज में एसर की आई प्रो सीरीज एक्चुअली में बाजी मार जाता है, वो है उसका डुअल प्रोसेसर आर्किटेक्चर में। इसमें दो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है, इनफैक्ट एक CA75 भी आता है इसमें। तो टेक्निकली इसकी जो प्रोसेसिंग है और प्रोसेसिंग पावर जो है वो Xiaomi की X सीरीज से बेहतरीन होने वाली है। इसका क्या एडवांटेज है? एडवांटेज आपको मिलेगा कलर एनहांसमेंट में, AI डेप्थ एनहांसमेंट में, AI फेशियल डिटेक्शन में। आपको एसर की आई प्रो सीरीज कंपेरेटिवली बेटर परफॉर्म करके देगी बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग पावर। नाउ लेट्स मूव ओवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बाइंग अ टीवी, जो है आपका डिस्प्ले और पिक्चर। देखिए दोनों ही डीलेट पैनल्स हैं, दोनों ही VA पैनल्स हैं, नो मैटर विच साइज यू टेक, चाहे आप 43, 50, 55 या 65 इंच ही क्यों ना ले ले जो आई प्रो में मिलेगा, सारे VA पैनल्स हैं। देखिए जो पीक ब्राइटनेस एक्स सीरीज में आपको मिलेगी वो 400 निट्स की मिलेगी, पर इसका जो सस्टेन्ड टिपिकल ब्राइटनेस है दैट इज अराउंड 300 निट्स। और Xiaomi सीरीज चाहे जो भी हो, एक्स सीरीज पास्ट के भी हो, दे आर नेवर नोन फॉर इट्स ब्राइटनेस। अगर उसे कॉम्पिटिशन से कंपेयर करें दे आर डेफिनेटली कंपेरेटिवली डिमर। तो ब्राइटनेस के मामले में Xiaomi की हमेशा एक कमी रह चुकी है और वो यहाँ पे भी सेम है। आई मीन एसर की आई प्रो सीरीज 400 निट्स बोलते हैं बट 450 निट्स तक भी जा सकता है, दैट कैन रियली बी ब्राइट एंड इट इज डेफिनेटली द ब्राइटर ऑफ द टू। यहाँ पे एसर आई प्रो ने क्या किया है कि मे बी दे आर अंडर कमिटिंग एंड ओवर डिलीवरिंग। तो एसर आई प्रो सीरीज आपका ब्राइट रूम हो डार्क रूम हो वो अच्छा परफॉर्म करेगा। इनफैक्ट ब्राइट रूम्स में आपको ब्राइटनेस की कमी महसूस नहीं होगी जो आपको हो सकती है इन Xiaomi की एक्स सीरीज, क्योंकि अगर ब्राइटनेस कम होता है ना तो रिफ्लेक्शंस और ज्यादा दिखता है। दोनों ही ग्लॉसी पैनल्स है एट द एंड ऑफ द डे। कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं, सी ऑन पेपर दोनों का 5000:1 का होगा, इन रियल आप बोल सकते हैं Xiaomi एक्स सीरीज इज प्रोबेबली 4500:1 और एसर आई प्रो इज क्लोज टू 5000, यानी 4600:4800:1 का होगा। इसका भी कॉन्ट्रास्ट रेशियो उसी रेंज में होगा। रिफ्रेश रेट दोनों ही 4K 60Hz ऑफर करते हैं। 4K 120Hz का सपोर्ट इसमें नहीं है और इनफैक्ट 1080p 120Hz का सपोर्ट भी नहीं है जैसे आपको एसर सुपर सीरीज में मिलता है। इसका VRR भी जो है वो 48-60Hz के बीच में। डॉल्बी विजन का सपोर्ट आपको दोनों ही में मिलता है, बट हियर इज द पॉइंट टू नोट, प्लीज नोट कि एसर की आई प्रो सीरीज जो है उसका जो 43 इंच वाला मॉडल है ना उसमें आपको डॉल्बी विजन नहीं मिलेगा, उसमें आपको सिर्फ HDR10 और HLG का सपोर्ट मिलेगा। अगर आप इसकी लिस्टिंग में चले भी गए तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि एसर की आई प्रो 43 इंच में डॉल्बी विजन सपोर्ट नहीं करता है। देखिए ये 43 इंच की लिस्टिंग है, कहीं पे भी डॉल्बी विजन का जिक्र नहीं है, पर जैसे ही मैं 50 इंच में चला जाता हूँ आपको डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस का यहाँ पे जिक्र दिखना चालू हो जाएगा। तो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर आप एसर की आई प्रो सीरीज ले रहे हैं और अगर आपको डॉल्बी विजन चाहिए सिर्फ 50 इंच में और 55 एंड 65 इंच में है, 43 इंच में नहीं है। HDR10 दोनों में, HLG का सपोर्ट दोनों में, ऑटो लो लेटेंसी मोड दोनों ही में है क्योंकि HDMI 2.1 मिलता है, MEMC का सपोर्ट भी दोनों में ही है, पर VRR का सपोर्ट आपको X सीरीज Xiaomi में नहीं मिलेगा। आपको Acer की आई प्रो सीरीज में VRR बिटवीन 48-60Hz मिलेगा। वाइट कलर गैमेट दोनों ही टीवी सपोर्ट करते हैं, डेडिकेटेड गेम मोड्स भी आपको मिलेगा और ये दोनों ही टीवीज लोकल डिमिंग सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये फॉल्ट पैनल्स नहीं है। अब चलो हम फाइनली चलते हैं प्राइसिंग पे और डिस्कस करते हैं और मैं आपको अपनी कंक्लूजन बताता हूं कि इन दो टीवीज में से कौन सी टीवी आपको लेनी चाहिए। देखिए दोनों ही टीवीज में आपको काफी साइजेस मिलते हैं, जो मेन साइजेस है यानी 43, 50 एंड 55 इंच तो आपको दोनों ही टीवी के मॉडल्स में मिलेंगे, पर हाँ 65 इंच आपको सिर्फ एसर की आई प्रो में मिलेगा। तो अगर आपको 65 इंच चाहिए बिटवीन दीज टू टीवीज, एसर आई प्रो इज द वे टू गो। एंड इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट 65 इंच टीवी विद एंड्रॉइड 14, जी हाँ चीपेस्ट विद एंड्रॉइड 14, जो आपको 2024 में मिलेगा। 50,000 रुपए के नीचे आपको मिलेगा इसका 65 इंच टीवी, विच इज अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी मेरे हिसाब से। पर अगर हम 43 इंच को भी कंसिडर करें,
यहां पे देखिए 20999 का है, बट आई वुड नॉट रेकमेंड द 43 इंच ऑफ एसर आई प्रो सीरीज बिकॉज इसमें डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं है। मैं जो ब्राइटनेस वाइटनेस की मैं बात करता हूं ना मेनली इन ऑल माय वीडियोस, दैट इज मेनली विद 55 इंच। देखिए ऑब्वियसली 43 इंच की ब्राइटनेस कम होने वाली है देन 55 इंचेस, सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स 55 इंच को ही लेकर के कंपेयर करता हूं बिकॉज इट इज द हाईएस्ट सेलिंग टीवी साइज स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग। तो 43 इंच टीवी के मामले में देखिए आई प्रोबेबली वुड साइड अलोंग विद Xiaomi की एक्स सीरीज हियर, ऑल्दो 7,000 रुपए का फासला है इन दोनों में इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। एसर की आई प्रो सीरीज इज नॉट समथिंग दैट आई वुड रेकमेंड, पर हाँ अगर आपका बजट एकदम टाइट है देन यू कैन कंसिडर दिस बिकॉज अगेन इट इज वन ऑफ द वेरी फ्यू टीवीज जो आपको एंड्रॉइड 14 देता है। इट इज वन ऑफ द वेरी फ्यू टीवीज जिसमें आपको डुअल प्रोसेसर आर्किटेक्चर मिलता है इवन इन द 43 इंच। सो अगर आप वो कंसिडर करें और VRR भी मिलता है वो अगर आप कंसिडर करें तो यस एसर आई प्रो सीरीज इज स्टिल नॉट अ बैड टीवी एंड फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो इट्स फैंटास्टिक। 55 इंच में ऑब्वियसली जाय सी बात है ये 39,000 रुपीज का है राउंड फिगर, ये 33,000 रुपीज का है राउंड फिगर, 6,000 रुपए का अंतर है और उस 6,000 रुपए में आप एक डिसेंट साउंड बार भी खरीद सकते हैं। दोनों ही टीवीज में मेरे हिसाब से आपको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस के लिए एक साउंड बार खरीदना होगा और जो बचे हुए पैसे हैं ना फ्रॉम एसर आई प्रो सीरीज वो आप साउंड बार में इन्वेस्ट कर दीजिएगा। और आज के इस कंपैरिजन में फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो ऑब्वियसली एसर आई प्रो सीरीज टॉप में निकल के आता है एंड इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइस डिफरेंस। इसमें आपको और ज्यादा चीजें मिलेंगी जैसे आपको डुअल प्रोसेसर आर्किटेक्चर मिलता है जिसके कारण फेशियल डिटेक्शन, डेप्थ एनहांसमेंट, कलर एनहांसमेंट इसमें कंपेरेटिवली बेटर होगा। इसमें आपको डोल्बी एटमस का सपोर्ट मिलता है स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स फ्रॉम द साउंड पर्सपेक्टिव। तो अगर आप OTT कंटेंट देखते हैं और अगर आपको एक अच्छा साउंड इफेक्ट चाहिए देन डोल्बी एटमस आपको एसर आई प्रो में मिलेगा जो आपको Xiaomi की एक्स सीरीज में नहीं मिलेगा। वन मोर पॉइंट टू नोट इज कि इसमें वेरिएबल रिफ्रेश रेट भी मिलता है जो आपको Xiaomi की एक्स सीरीज में नहीं मिलेगा। तो गेमिंग के पर्सपेक्टिव से भी एसर की आई प्रो सीरीज इज कंपैरेटिवली बेटर। तो पैसे भी कम है, फीचर्स भी ज्यादा है और सपोर्ट भी ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से इट इज कंपैरेटिवली द बेटर टीवी टू बाय। दोनों ही टीवीज में देखिए आपको 1 साल की वारंटी मिलेगी, तो ऐसा नहीं कि एक में 2 साल की एक में 1 साल की, नहीं दोनों ही टीवीज में आपको 1 साल की ही वारंटी मिलेगी। पर हाँ Xiaomi की जो सर्विस नेटवर्क है एंड आफ्टर सेल सर्विस जो है Xiaomi की ऑब्वियसली कंपैरेटिवली बेटर होगी कंपेयर टू एसर। तो अगर ये आपके लिए मायने रखता है देन Xiaomi इज द टीवी टू बाय। बट इन मोस्ट मेट्रो सिटीज इन Tier 1 and Tier 2 सिटीज आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है विद एसर की आई प्रो सीरीज की आफ्टर सेल सर्विस एज वेल। एंड ओवरऑल अगर आप मुझे पूछेंगे इन दो टीवीज में अगर मुझे एक टीवी सेलेक्ट करना पड़ता आज के इस कंपैरिजन में आई वुड हैव गॉन अलोंग विद एसर की आई प्रो सीरीज बिकॉज ऑफ ऑल दोज रीजंस, डुअल प्रोसेसर आर्किटेक्चर, VRR का सपोर्ट, डुअल एटमॉस का सपोर्ट भी इसमें है, तो इट इज डेफिनेटली बेटर इन टर्म्स ऑफ प्राइस एज वेल। तो प्राइस टू वैल्यू के रेशियो में भी ये ऊपर निकल करके आता है एंड इट वुड बी माई चॉइस। पर हाँ मैं हर एक वीडियो की तरह आपको कुछ वर्दी ऑल्टरनेटिव्स भी बता देता हूं। देखिए अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और अगर आप 40,000 के नीचे ही खर्च करना चाहते हैं देन TCL की C61 भी इज अ फैंटास्टिक चॉइस। नंबर वन ये एक QLED है, अगर आप इसे Xiaomi की X सीरीज से कंपेयर करें जो 38990 है दैट इज अ नॉन QLED और यहां पे TCL आपको एक QLED दे रहा है विद 2 साल की वारंटी विद 2GB एंड 32GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज विद DLG 120Hz का रिफ्रेश रेट। इसके स्पीकर्स भी कंपेरेटिवली बेटर है क्योंकि इसमें डेडिकेटेड सबवूफर भी आता है। तो फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव्स ये एक कंपैरेटिवली बेटर चॉइस है। एक दूसरा चॉइस जिस पे आपको थोड़ा सा और ज्यादा खर्च करना पड़ेगा और 40,000 रुपए के ऊपर आपको जाना पड़ेगा वो है तोशिबा की M650MP। अब ये टीवी मैं इसलिए रेकमेंड कर रहा हूं बिकॉज नंबर वन ये एक मिनी LED QLED है जिसमें आपको फुल अरे लोकल डिमिंग भी मिलेगा एंड इसमें भी आपको 1080p 120Hz रिफ्रेश रेट मिलेगा। साउंड इसमें भी 49W का है विद अ डेडिकेटेड सबवूफर। सो ओवरऑल काफी अच्छा प्राइस टू वैल्यू रेशियो आपको तोशिबा की M650MP देगा। तो ये थे कुछ वर्दी ऑल्टरनेटिव्स और मेरी आज के इस कंपैरिजन में क्लियर विनर इज एसर आई प्रो सीरीज। अगर आप मेरे से सहमत है लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे से सहमत नहीं भी है प्लीज लेट मी नो व्हाई, आपको क्यों लगता है कि मेरी ये चॉइस पर्सनल ओपिनियन सही नहीं है एंड वी कैन ऑलवेज टॉक इन द कॉमेंट सेक्शन प्यार और रिस्पेक्ट से। और जाने के पहले दो रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं दो वे हैं, एक जो फ्री है आप लाइक सब्सक्राइब और वो बेल आइकन यानी घंटी भी जरूर दबा दिएगा ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूंगा
आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्त यार परिवार वालों के साथ जिन्हें एक टीवी चाहिए। मुझे YouTube एल्गोरिथम का सपोर्ट मिलेगा व्हेन यू शेयर दिस वीडियो एज वेल। एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, जो भी टीवीज आप देख रहे हैं उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और ऐसे कुछ टीवीज भी जो मैं रेकमेंड करता हूं, अगर आप उन लिंक्स को क्लिक करके उन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, मुझे और मेरे चैनल को आपका फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ Amazon की एफिलिएट कमीशन। प्राइस आपके लिए वही रहेगा जो आप Amazon पे देख रहे हैं, बस मुझे एक सपोर्ट मिल जाएगा, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं तहे दिल से इन एडवांस फॉर सपोर्टिंग माय चैनल इन वेज में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।